दूसरा बड़ा मंगल था ना, तीसरा था शायद, तीसरा बड़ा मंगल कल था, आज 12 तारीख 11 जून 2013। ये कल खबर जब मैं बंदर वोट कर रहा था तो हमारे पास खबर आई कि डीएम के बंगले में एक बंदर घायल पड़ा हुआ है, तो भोज वगैरह करने के बाद, भोज समाज जब बंदर भोज से मुझे मौका मिला तो हम भी तो इंसान हैं, लेकिन ने देखा बड़ा मंगल बंदर तड़प रहा है, तो हमने कहा मारो गोली, लोग ऐसे मंगल व्रत रहते हैं, आज बड़े मंगल में हम व्रते रहेंगे। और डीएम के मैं बंगले पहुंचा, वहां जाकर के इसके कंडीशन को देखा, फिर वहां बताया, हमने कहा हमारा हम तो बंदर खिलाने वाले बाबा हैं, हम इसको पकड़ तो नहीं सकते हैं, तो अस्पताल वाले अगर आएंगे तो वो कुछ उपाय बताएंगे। खैर डीएम के यहाँ से, डीएम के बंगले से वो गया, फोन गया कि हमारे डॉक्टर साहब जो हैं श्री राम को लेके गए, वहाँ जाने पर ये समझिए कि दवाइयाँ वगैरह कुछ डाली गई, लेकिन वो संतोषजनक काम नहीं था। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि वन विभाग वाले इसको पकड़ें, वन विभाग वालों को बुलाया गया, इनको पकड़ा गया, यहाँ इनकी ड्रेसिंग हो गई, अब वन विभाग का काम ख़त्म, पशु चिकित्सालय का काम ख़त्म, अब ये बताइए कहाँ जाता है ये। अब श्याम साधु पूरे दुनिया का ठेका तो नहीं दिया, श्याम साधु कोई पैसा तो नहीं देता है गवर्नमेंट से ना जनता से, ना श्याम साधु कोई नगर पालिका का आदमी है। अब ये व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ अस्पताल में कि इनके लिए छोटे जानवरों के एक वार्ड होना चाहिए, वार्ड तो बना है लेकिन उसमें गेट नहीं है, तो अब हम मांग करेंगे कि साहब उसमें कोई छोटा मोटा गेट लगे। अच्छा मुसीबत क्या है कि शहर के लोग यहाँ जानवर डाल गए और फिर डाल के गायब हो जाते हैं, इसीलिए अस्पताल वाले जानवर को रखने में यहाँ पर वो लोगों को एक बहुत जहमत, एक उनके लिए झंझट होता है, तो उसके लिए भी कुछ नियम बने कि भाई जो जानवर लेके आवे अपना नाम पता और सिक्योरिटी का पैसा जमा कर दे, है ना, सिक्योरिटी के लिए 1500 रुपया जमा कर दीजिए, तब अस्पताल वाले भर्ती कर लेंगे कि साहब आप भाग गए तो 1500 रुपये जो आप जमा किए हैं उसी से ईमानदारी की जाएगी, मतलब कुछ सरकार के यहाँ नियम बनना चाहिए। अब बताइए श्याम साधु 75 साल का मैं हो रहा हूँ, रोज का मेरा बंदर भोज है, रोज जानवर का काम है, हजारों पेड़ पौधों का काम है, हम यानी अपना ही इलाज नहीं कर पा रहे, अभी हमारे लिए जहमत तो है, मरता क्या ना करता। अब कल परसों से आज देखिए हालत इसकी बिगड़ती जा रही, तब आज इनको हमारे डीलाइट कंप्यूटर वाले आशुतोष मिश्रा जी और अंशु मौर्या जी मेरे यहाँ आए, हमारे डीलाइट कंप्यूटर वाले तो कैमरे से बना रहे हैं, ये अंशु मौर्या जी हैं, ये बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन छोड़ के मानवता के नाते आए कि हमने कहा भैया अस्पताल पहुँचा दो, भाई श्री राम देखिए अकेला है, कभी मान लीजिए एक दो आदमी है तब बड़ा अस्पताल है, डॉक्टर साहब के लिए वो मुसीबत है कि हाल ना पूछिए, कहीं बड़े साहब आए कहीं छोटे साहब आए, शहर का मामला वो कहाँ कहाँ देखें, तो अब नियम यह है कि मरीज को यहाँ लाना चाहिए, तो आप लोग मिल गए तो हमने कहा भैया चलो मरीज को ले चलेंगे, अब इनको हम लाए हैं, अब डॉक्टर साहब इसको देखेंगे और ग्लूकोज वगैरह जो भी चढ़ता होगा हम अभी बाज़ार से खरीदेंगे उसको चढ़वा देंगे, और उसके बाद में 2 मिनट का काम होगा, अगर आप हमको छोड़ दीजिएगा घर तक तो हमारे लिए ज़्यादा हित कर रहेगा, और ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और हमें तो बड़ा हमको डॉक्टर साहब से काम लेने में बड़ा कष्ट होता है। अरे डॉक्टर साहब आपकी व्यस्तता हम समझते हैं, सुबह से बेचारे कल सारा दिन इनको खाना नहीं इनको नसीब हुआ, आप पशु चिकित्सा अधिकारी सदर रायबली हैं डॉक्टर बलवंत सिंह, कल मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि सारा दिन इनको खाना नहीं मिला, तो डॉक्टर साहब ये पानी नहीं पीता, पानी में हौदी में बैठ जाता है जाके, और सुबह देखा पानी में ऐसे पानी में मुँह लगा देता है, लेकिन पानी पीता नहीं डॉक्टर साहब, और सुनिए डॉक्टर साहब पका गया है पहले को, ये टीटनेस तो नहीं है कि इसका जबड़ा का खुल रहा हो जी, हम थोड़ा पहले डॉक्टर साहब आते हैं लेकिन मालूम हुआ कि आप कहीं चले गए हैं, वही डायरेक्टर साहब आ गए थे,
हाँ बताइए वही तो डॉक्टर साहब, हमको बताइए वही तो है। हाँ डॉक्टर साहब चलिए डॉक्टर साहब, आप जब जब बात जो कर देंगे का काम है, बहुत बड़ा काम है डॉक्टर साहब आपसे कर रहा है। तो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, हमारे जीवन में ऐसे डॉक्टर नहीं आए, ये हम रायबली के लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दिन दिन भर अरे सदर अस्पताल के डॉक्टर हैं और खाना इनको नसीब ना हो, ये नहीं कि वहाँ इनको भगा दें हटा दें। तो हम तो समझते हैं कि भाई भगवान के बाद इन्हीं के नंबर है। राम सजीवन भी यहाँ के स्टाफ बैठे हुए हैं इनकी, अब सामने मैं इनकी क्या बड़ाई करूँ। ये जब मेरे घर जाते रहे जानवर की ड्रेसिंग करने, तो हमारी बच्चियों को पैसा उल्टे देते रहे, कहते रहे कि आपने भगवान आपने धर्म का काम किया है, लिहाजा हम देंगे। वैसे भी लोग पड़े हैं, भगवान इनकी लंबी उम्र दे, नौकरी में तो जब तक इनको है तब तक नौकरी में रहेंगे ये। और कुल मिला करके बहुत सज्जन आदमी हैं, ये भी मौजिया जी हैं, और इतनी सेवा करते हैं बेचारे, इतनी उल्टी गंगा बहाने वाले मेरी बिटिया सब, और एक दो लड़कियाँ उन्हें पकड़ा जाना, कितने गधों का इन्होंने इलाज किया गया कि मेरे घर बजाय पैसा लेने को बच्चों को जबरदस्ती देते। हमने कहा महाराज आपकी ये कीर्ति अमर हो जाएगी, वीडियो कैमरा बन रहा है ना, हम रहेंगे ना ये रहेंगे, लेकिन ये इनकी कीर्ति जो है ये दुनिया जानेगी कि राम सजीवन मौलिया नाम है, और बहुत बड़ी बात है। हालत इनकी अब दम है ना, ये कल से इसके हाथ अकड़े अकड़े थे, दोनों पैर कान लगे, अकड़न आ गई ना लाइट हो गया। नीचे वाला नहीं लेना, दोनों ऊपर ठीक है, ये रख ये दीजिए पत्ता, बाकी हाथ के रखिए, बाकी हम लेके आ रहे हैं ठीक है। आराम से जी में रख लो, पत्ता हम देखे आए ठीक, आप कैमरे को बंद कर दीजिए 2 मिनट।